2021 जिसमें आपको जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद है तो उनको आप देख नहीं सकते, कैमरा चल रहा है इसलिए। तो चालू करते हैं। देखो वैदिक मैथमेटिक्स में आपके सिलेबस में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले जोड़ना, जोड़ना आप सब पे आता है नहीं आता, आता है। इसके बाद है घटाव, इसके बाद है गुणा और भाग, ठीक है भाई। इसमें इसकी एक एक विधि है, इसमें इसकी तीन विधियां हैं और इसमें इसकी आपके सिलेबस में दो विधियां हैं। इसकी पहली विधि है ऊर्ध्वपात त्रिकोण, ठीक है ना। सुना हुआ नाम तो। इसके बाद आपकी आपकी एक आधिकेन गुणे, इसके बाद आती है आपकी निकटम, ठीक है। भाग की एक तो ध्वजांक है, एक मुख्य अंक है और ध्वजांक भाग विधि, ठीक है। एक निकटम है और एक और विधि आपके सिलेबस में परावर्तित योज्य, ठीक है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो है वर्ग निकालने के लिए और घन निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूले आपको बता रहे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है वैदिक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, वैदिक गणित चैप्टर नंबर 1। और आपकी क्लास कौन सी है, ये क्लास है आपकी फर्स्ट, यानी पहला पहला क्लास है आपका, 2021 में पहली पहली क्लास। इसको नोट कर लीजिए आप, इसको कॉपी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे जोड़ने की बात अगर मैं करूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये आपको जोड़ना है प्लस करना। नॉर्मली आप कैसे जोड़ोगे, 5 और 9 कितने 14, 14 या 4 लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। तो एक आपको नहीं लिखना, क्या करना है, एक आपको नहीं लिखना, सुनो बेटा। जैसे 5 और 4 कितना होगा, 14 को आप क्या लिखोगे, 10+4 लिखोगे, तो 4 का तो 4 आ जाएगा। जो आप कैरी लगाते हो ना, फांसी जो लगाती हो, वो आपके सामने वाले अंक पर गिनती के तौर पर आ जाएंगे, ठीक है, आया समझे। अब ये इसका मतलब क्या हो गया, इस 8 और बिंदी का मतलब 9 हो गया, ठीक है, यानी कि 1+, इसको बोलते हैं एक आधी के, ठीक है। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, 13 का 3 और हासिल यानी कि बिंदी कहाँ चली जाएगी, एक आगे, ठीक है। 8 और 3 11 हासिल आगे चलिए, कितना हो जाएगा, ये 11 आया, समझ में नोट करो। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 5 और 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 का 5 लिखोगे और जो आगे वाले डिजिट उस पर एक आधी लिखा, ठीक है, 9 और 9 18, 18 और 9 27, ठीक है, क्या आएगा, 27 के साथ। अब बताओ कहाँ लगाओगे, सॉरी एक मिनट गलती हो गई, देखो जैसे ये आगे हुआ ना 10 से आगे 2 लगा दोगे आप, जैसे यहाँ पे 9 और 9 18 हुआ, तो जस्ट आगे वाले भी लगा दोगे आप, अब क्या हो जाएगा, 8 और 16 का 6 रखोगे और आगे वाले भी का, ठीक है। 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 24। वो एक चीज समझ में आई, ई वाली ई ऊपर 8 पे क्यों ना हो, ई बिंदु ये जैसे 10 से ज्यादा हुआ ना, 10 को 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 का लिख सकते हैं, 10 प्लस 8 लिख सकते हो, तो 10 जो एक कैरी बंदी चला जाएगा, जैसे ही 10 से ज्यादा होगा ना तो कैरी चली जाएगी आगे बंदी,
दस से ज्यादा जावे तो आगे चली जाएगी और दस से छोटी हुए तो यहाँ पे लगेगी। छोटी रहेगी तो आगे ठीक है। अभी समझाओ, देखो भाई सवाल कर लिया साथ में, फिर मिला लिया ठीक है। देखो सात और नौ कितना हो गया, सात और नौ हो गया आपका कितना सोलह, सोलह का छह रह जाएगा और एक आपका आगे चला जाएगा ठीक है भैया। छह और सात तेरह, तेरह का तीन रह जाएगा और एक आगे चला जाएगा। तीन और नौ कितना हो जाएगा बारह, बारह का दो आ जाएगा और एक आगे चला जाएगा, इतने कोई दिक्कत नहीं। नौ और नौ कितना हो जाएगा अठारह, अठारह का आठ और एक पहुंच के आगे, अठारह का आठ रह गया ना, आठ और दस कितना हो गया फिर अठारह हो गया, अठारह का फिर आठ हो जाएगा और एक आगे पहुंच जाएगा। आठ और नौ, आठ और नौ सत्रह, सत्रह का सात और एक आगे पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा पर करते करते सब हो जाएगा। आठ और सात कितना हो गया सत्रह, आठ और सात सत्रह नहीं नहीं पंद्रह, पंद्रह आठ और सात पंद्रह, एक पहुंच जाएगा आगे पांच हो जाएगा। पांच और छह कितना, सॉरी पांच और नौ कितना हो गया चौदह, चौदह, चौदह का चार एक पहुंच जाएगा आगे, चौदह का और पांच कितना हो गया नौ, सॉरी चार और पांच नौ ठीक है। सात और छह कितना हो गया तेरह, तेरह और आठ कितना हो गया तेरह और आठ इक्कीस, इक्कीस, इक्कीस और नौ कितना हो गया तीस, तीस ठीक है भाई। समझ आया नहीं आया, जिसकी गलती है वो सही कर लो। सही है, मैं आता हूँ। हाँ भाई सही कर रही। तो सबसे पहले परमित रंग की मैं बात करता हूँ, परमित रंग का क्या होता है। अच्छा एक जोड़ और रह गया, एक जोड़ और देख लो, छोटा सा जोड़ा ठीक है ना, चलो उसको छोड़ो, ये परमित रंग की देख लेते हैं। घटा, घटा देख रहे हैं ठीक है ना, घटा में क्या देखो, ये छोटी डिजिट अपने आप घट जाती है, जैसे आठ में से दो घटाना है घट जाए कोई दिक्कत नहीं है, नौ में से नौ जाएगा तो जीरो आएगा, आठ में से दो गया तो छह, लेकिन दो में से तीन नहीं नहीं जाता ना ठीक है। तो क्या होगा, परमित्र अंक लेंगे, क्या लेंगे परमित्र अंक लेंगे ठीक है ना। तो क्या होगा ये बेटा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, चलो इसको देखो, जैसे आपको क्या करना है, गुणा करना है बेहतर का बारह से, बेहतर का बारह से करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले डिजिट को जमा होगा, बेहतर नीचे बारह जमा लोगे नहीं जमा लोगे, जमा लोगे। अच्छा इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, बेहतर दिख रहा है आपको 72, पहले 7 लिखोगे फिर बेहतर लिखोगे और फिर 7 को छोड़ोगे, यानी कि सबसे पहले आगे से एक डिजिट ली फिर दूसरी ली, जब संख्या पूरी बन गई तो आगे और डिजिट को घटा दो, जब बन आया आगे और नवा बन आ जाएगा, ऐसे ही एक बारह तोड़ दो ठीक है। इसको ऐसे खींच दोगे, जब सिंगल लाइन हो तो ऊपर का ऊपर वाले से गुणा कर देना है, डबल लाइन हो तो क्रॉस गुणा कर देना है, ट्रिपल का ही बता दो ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा चार हो जाएगा प्लस, इसका क्या हो जाएगा दो कम करोगे चौदह, चौदह प्लस प्लस दो दो प्लस सेवन सेवन, इसको कैसे करोगे चार, ये कितना हो जाएगा सोलह, सोलह दो चार सोलह सात, चार का चार रखोगे सोलह का छह रखोगे, एक को आगे ट्रांसफर करोगे, जब एक उसमें प्लस हो जाएगा तो ओके समझ में आया, गुड कर दो बारह गुणा जीरो। देखो जब आप करोगे इसमें मतलब दो लिख रखा है इसमें, इसमें दो लिख कर दे दिया और कहा है कि उर्दू तरह का विधि से करो, तो कैसे करोगे, जब आप जमाओगे ना इसको ऐसे तो लिखोगे, जैसे आप देखोगे कि नीचे की जगह खाली उसमें जीरो पड़ देगा ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये जीरो दो, हमेशा ऐसा गुणा समान संख्या में होता है, जैसे ये दो अंकों की संख्या तो नीचे वाली भी दो अंकों की संख्या होनी चाहिए ठीक है। कैसे करोगे आप, आता नहीं आता कैसे करेंगे आगे, एक लेंगे बारह दो जीरो दो जीरो दो दो ठीक है भाई, गुणा कर दो चार
इसका क्या हुआ? दो प्लस जीरो, इसका जीरो, चार दो जीरो, चार दो जीरो, यानी कि चौबीस ही तो होता ही है। ठीक है, नोट करो, तीन सौ चौबीस बुढ़ा एक सौ। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, तीन सौ चौबीस को जमा होगा, कैसे जमा होगा, सबसे पहले तीन लोगे बत्तीस, तीन सौ चौबीस 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 दो चार। ठीक है भाई, ऐसे इसको जमा करोगे वन वन जीरो, वन जीरो टू जीरो जीरो टू। ठीक है, देखो इसका बड़ा कैसे करोगे, डायरेक्ट कर दोगे तीन आ जाएगा। ठीक है, डबल लाइन का क्रॉस बड़ा कर दोगे जीरो प्लस दो। ठीक है, okay. इसमें कैसे करोगे, अगल बगल के क्रॉस बीच के वाला सीधा, तो कैसे करोगे, छह चार जीरो प्लस चार, ऐसे ही ये चार हो जाएगा प्लस जीरो और ये आठ, ठीक है, ये हो जाएगा तीन, ये दो, ये दस, चार आठ चार जीरो, एक आगे पहुंच जाएगा तीन। सुनना है ना, इजी है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, और अगर देखो मान लो ये ऐसे होता, मान लो ये बोलता दो, तो कैसे करते, आपको जमा के देखना पड़ता और डबल जीरो आगे, ओके, ऐसे नहीं है। घटा दे, सवाल लिखा था सात दो आठ नौ और सात, छह पांच चार तीन और ये नौ लिखना। ठीक है बेटा, क्या करना, माइनस करना, सात में से नौ माइनस हो नहीं सकता, सात में से नौ माइनस नहीं होगा, नौ, अब देखो नीचे वाला का परमित्रक क्या होगा, नौ का परमित्रक होगा एक, यानी दस में से माइनस करना, सात में से नौ माइनस नहीं होगा, पर नौ का परमित्रक हमको पता है एक है, तो एक को आपको सात में जोड़ देना, कितना आएगा, ऐसे क्यों जोड़ा, ये प्रोसेस है इसको करने का, क्यों का जवाब जुड़ाओगे, ये तरीका है वैदिक गणित का। ठीक है भाई, अब आपने परमित्रक यूज करा है ना नौ का, तो आगे एक बिंदी लग जाएगी, याद रखना जिस चीज का परमित्र अंक आप यूज करोगे उसके आगे वाली संख्या पर बिंदी लगेगी। ठीक है भाई, ठीक है, दो ध्यान से, सात में से नौ माइनस नहीं हुआ, इसलिए नौ का परमित्रक ऊपर वाले में जोड़ दिया और सामने वाले पर एक बिंदी लगा, इस बिंदी का मतलब आप जानते हो, एक आधी घंटे पूरे होता है, नौ में से क्या माइनस करना है आपको, चार, नौ में से चार माइनस होता है, हो जाता है ना, पांच हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, आठ में से क्या माइनस करना है आपको, चार, चार माइनस हो जाता है, दो में से क्या माइनस करना है, पांच नहीं होगा, नहीं होता है ना, पर पांच का परमित्रक हमको पता है कि क्या होता है, पांच होता है, तो पांच को ऊपर वाले में जोड़ दो और पांच के आगे वाले में एक बिंदी लगाओ, दो में से पांच माइनस नहीं होता, नीचे वाला माइनस नहीं हो रहा है तो नीचे वाले का परमित्रक निकालो, क्या आया, पांच, परमित्रक को इसमें प्लस कर दिया और आगे लगा दिया डॉट बिंदी। ठीक है, परमित्रक प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो। समझ में नहीं आया, एक सवाल और कराऊंगा उससे समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट करो, अरे सवाल है आपका आठ नौ सात छ पांच, सात तीन आठ नौ नौ। ठीक है, देखो पांच में से नौ माइनस हो जाएगा क्या, नौ का परमित्र क्या होता है, एक, एक, एक को क्या करेगा ऊपर वाले में प्लस करेगा, छह, छह और आगे वाले में डॉट लगा, सिंपल। ठीक है, छह में से कितना माइनस करना है, दस, दस नहीं होगा, माइनस होता है क्या, नहीं, पर दस का परमित्र क्या होता है, दस का परमित नहीं होता, जीरो, जीरो, दस को दस में से माइनस करो ना, जीरो, नहीं आया था, परमित्र कैसे निकालते, दस में से माइनस करते हैं तो दस का परमित्र हो गया जीरो, जीरो प्लस कर दोगे छह, दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, क्या हो गया ये, छह हो गया, अब आगे वाले में क्या लगा दोगे, डॉट क्यों लगाओगे, क्यों, परमित्र यूज कर रहे हैं भाई, अगर आप परमित्र यूज करोगे संख्या का तो उसके आगे वाले में डॉट चला जाएगा। ठीक है,
जैसे देखो अब इसका सात में से क्या माइनस करना है, दो माइनस, दो माइनस होता है क्या? तो नौ का परमित्र निकालोगे ना, जैसे परमित्र निकाला ऊपर आगे लग जाएगी बिंदी और परमित्र को आगे वाले में प्लस कर दूंगा, कितना प्लस होगा ऊपर वाले में? एक, आठ, कितना माइनस करोगे? चार, पांच आ जाएगा, आठ में से एक खा दिया तो नहीं समझ में आ रहा है ना, पांच कर देता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे, और कल तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।